और आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। लगभग दो दिन में परसों चीफ जस्टिस आ रहे हैं, तो आज शाम को हम एक जम्मू के लोगों। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं आ गया यहाँ पे सेव रायका कैंपेन में। जैसा कि आज बताया था, 5 बजे नरवाल हाईवे पे होगा। एंड देख लीजिए, जम्मू की बर्बादी शुरू हो रही है। लुक एट दिस। और ये बर्बादी हो रही है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सामने, जो कि इसके हकदार बनते हैं। वो इस बर्बादी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आई डोंट नो। तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। इतनी गर्मी में, इतनी धूप में देख लें, जम्मू के लिए सेव रायका फॉरेस्ट वाले जद्दोजहद करते हुए, प्रोटेस्ट करते हुए, और कुछ कह नहीं सकता मैं कि क्या हो रहा है। और वेडनेसडे को इनॉग्रेशन है इसकी। सीटीआई ने वेडनेसडे को आना है, और हम यहाँ पर एक उधर जी खड़े रहेंगे जब तक ये बात नहीं सुनी जाएगी कि कितना बड़ा नुकसान हो रहा है जम्मू की सांसों को। जम्मू के लोगों से उनकी सांस छीनी जा रही है, और क्या डिवास्टेशन हो जाएगी जब ये पूरा का पूरा जंगल कट जाएगा। और क्या, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सामने हो रहा है ये, वो कह रहे हैं। हाई कोर्ट बनाने से कुछ नहीं, जम्मू में एक एक हाई कोर्ट है, अब दूसरा करके क्या स्थापित करना चाहते हैं? आप बनाए हाई कोर्ट, बट दिस इज नॉट द प्लेस फॉर नेशनल हाईवे। इतने आप ट्रीज के साथ खिलवाड़ करो, कुदरत नहीं छोड़ोगे। वो बताया था ना कुदरत ने कि पैंडेमिक में कुदरत ने बताया। फिर और देखिए किस तरह से कंस्ट्रक्शन चल रहा है जम्मू की बर्बादी का, ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए जम्मू की बर्बादी का। सेफ फॉरेस्ट, सेफ लाइफ, सेफ फॉरेस्ट, सेफ लाइफ, सेफ फॉरेस्ट, सेफ लाइफ, सेफ फॉरेस्ट, सेफ लाइफ, सेफ रायका, सेफ जम्मू, सेफ रायका, सेफ जम्मू, सेफ रायका, सेफ जम्मू, सेफ रायका, सेफ जम्मू, सेफ फॉरेस्ट, सेफ लाइफ, सेफ फॉरेस्ट, सेफ लाइफ, सेफ फॉरेस्ट, सेफ लाइफ, सेफ फॉरेस्ट, सेफ लाइफ। देखे जम्मू की बर्बादी, हमारे फ्यूचर की बर्बादी देखे। शरेआम जेसीबी के साथ काटी जा रही है शरेआम, हमारे जम्मू के फ्यूचर की, हमारी बर्बादी की शरेआम काटी जा रही है। और इससे भी ज्यादा बर्बादी इस रोड पे खत्म कर चुके हैं। जो एक ब्यूटी थी जम्मू की, वो बिल्कुल खत्म कर रहे हैं, देखें। और जम्मू के लोग सोए हुए हैं, ये इससे बड़ी हैरानी की बात कुछ नहीं है कि जम्मू के लोगों को होश नहीं आ रही है। सेव रायका फॉरेस्ट के लिए क्यों नहीं निकल रहे हैं, खुद के लिए क्यों नहीं निकल रहे हैं, जम्मू के लिए क्यों नहीं निकल रहे हैं? सो मैम, एनी मैसेज फॉर जम्मू? मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज सेव रायका, सेव जम्मू, सेव आवर डाइवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इफ यू विल सेव द ट्रीज, यू विल सेव अवर नेशन, यू विल सेव जम्मू एंड कश्मीर। यू कैन सी ग्लोबल वार्मिंग इज राइज इन एवरेज टेम्परेचर ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, एंड द रायका फॉरेस्ट जंगल इज द लंग्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऑल द ट्रीज विल बी कटिंग डाउन, दे विल गो इन टू डिफॉरेस्टेशन। हाउ पीपल विल सर्वाइव, हाउ दे विल टेक ब्रीथ, अ लॉट ऑफ एनिमल्स विल गेट हार्म। और आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। लगभग दो दिन में परसों चीफ जस्टिस आ रहे हैं, तो आज शाम को हम एक ओपन लेटर पब्लिश करेंगे जो चीफ जस्टिस को एड्रेस की जाएगी। हम लोग उनको अपना दर्द बताएंगे, अपने रिजेंटमेंट बताएंगे, और जम्मू की तरफ से हम लोग दिखाएंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है ये क्यों नहीं बनना चाहिए। हम लोग वो लेटर शाम तक पब्लिश कर देंगे, आप सबके पास वो कॉपीज आ जाएगी। प्लीज उस लेटर को जितना हो सके शेयर कीजिए, सब तक पहुंचाइए, पूरे देश को पता चलना चाहिए कि चीफ जस्टिस आ रहे हैं ऐसे प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट करने के लिए जो प्रोजेक्ट लोगों को मंजूर नहीं है। यहाँ पे कट रहा है, वहाँ पे हूँ, मेरे साथ ये लड़कियाँ जो पहले से कई देर पहले से प्रोटेस्ट कर रही हैं, ये जो लड़के हैं सभी यहाँ पे हैं। आज हम एडमिनिस्ट्रेशन से और जम्मू कश्मीर में जो गवर्नमेंट चलती है उनसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं कि रब का वास्ता आपको, आपको रब का वास्ता, थोड़ी तो शर्म हया कीजिए। जम्मू की पहले युवाओं का बेड़ा गर्क किया, जनता का बेड़ा गर्क किया, यहाँ की डेवलपमेंट का बेड़ा गर्क किया, अब आप जंगलों का बेड़ा गर्क कर रहे हो। ये बेजुबान जो पेड़ पौधे हैं, ये बेजुबान जो जानवर है जो यहाँ पे रहते हैं, आज आप इनको मारने में जुड़े हो। मैं जम्मू की जनता से ये कहना चाहता हूँ, ये रायका नहीं है, हमारे फेफड़े हैं, हमारी सांसें हैं, ये सांसें, अब ये सरकार ये हमारी सांसें छीनना चाहती है। हमारी पीढ़ियों से उनका आने वाला जो वक्त है वहाँ पे उनकी सांसें छीनना चाहती है, जम्मू का बेड़ा गर्क करना चाहती है। यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग की हद तक बढ़ जाएगी। ये जो स्पीशीज यहाँ पे रहती है जो 1972 में विलुप्त हो गई थी, वो भी यहाँ पे दिखती है। अब ये जो बंदर है, ये जो चीते हैं, ये जो मोर है, ये कहाँ पे जाएंगे? इन सियासतदानों को इतनी शर्म भी नहीं आती, अपने एसी वाले कमरों में बैठे हैं और वहाँ से इनका एक बयान नहीं आ रहा। इलेक्शन आ जाएगी, वोट लेने के लिए बयान आ जाएगा, लेकिन इस जंगल जो कट रहा है इसके लिए इनका कोई बयान नहीं आ रहा।
बड़े शर्म की बात है, ये जम्मू के जो अपने आप को राजनेता कहते हैं। शान रहेगा साड़ी पहचान रहेगा साड़ी शान रहेगा साड़ी पहचान रहेगा सेफ फॉरेस्ट सेफ लारेस्ट सेफ फॉरेस्ट सेफ लारेस्ट सेफ फॉरेस्ट सेफ लारेस्ट सॉरी। बहुत कम वीलॉगर्स होते हैं जो कंटेंट के अलावा एक इशू के लिए सपोर्ट के लिए रेगुलरली आते हैं और उनमें से वीलॉगर हमारे साथ खड़े हैं। रायका को तो बचाना जरूरी है लेकिन ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को भी सपोर्ट करना जरूरी है जो कंटेंट क्रिएटर जम्मू के इशू पे काम कर रहे हैं, नेचर के इशू पे काम। सो फ्रेंड्स, फाइनली प्रोटेस्ट आज का एंड हुआ और देखें ये देखें यहाँ पे कैसे शरेआम काटा जा रहा है जम्मू को और हमारे फ्यूचर को काटा जा रहा है किस तरह से। जम्मू वालों प्लीज जाग जाओ, जम्मू वालों प्लीज होश में आओ, रायका सेफ फॉरेस्ट को सपोर्ट करो किसी भी हद तक जो हो सके उस हद तक सपोर्ट करो। ये देखिए आप शरेआम कैसे काट रहे हैं, शरेआम जम्मू को काट रहे हैं, हमारे लंग्स को, हमारी ऑक्सीजन को हमसे छीन रहे हैं। फ्यूचर में पता लगेगा कि हमसे कितनी बड़ी गलती हुई है कि हमने इस कंपेन को सपोर्ट नहीं किया। सो प्लीज सपोर्ट करो सेव रायका फॉरेस्ट को और ऐसे ये जो पेड़ काटे जा रहे हैं हमारी सांसों के साथ खेले जा रहे हैं इनको प्लीज 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 रोका जाए और प्लीज जम्मू वालों होश में आओ, प्लीज जम्मू वालों सपोर्ट करो रायका को। सो फ्रेंड्स, फाइनली आ चुका हूँ घर पे एंड डिनर मैंने बाहर ही कर लिया था। सो यार मेरा दिन में बिल्कुल मन नहीं किया कि यहाँ से ब्लॉग बनाऊँ ये करूँ क्योंकि यार मैंने बिल्कुल ये डिसाइड किया कि मैंने सेव रायका फॉरेस्ट वालों के लिए ब्लॉग करना है एंड उनके लिए भी नहीं यार, जम्मू वालों तक आवाज़ पहुँचानी है यार सेव रायका फॉरेस्ट की। प्लीज़ जम्मू वालों, मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे थ्रू एक बंदे को दो बंदे को भी अगर बात पहुँचेगी तो एटलीस्ट मुझे इतना अपने आप पे प्राउड फील होगा कि करें और गैदरिंग करें डेली वहाँ पे 5 बजे प्रोटेस्ट होता है एंड वेडनेसडे को कमिंग वेडनेसडे जो आ रहा है वहाँ पे CGI आ रहे हैं इनॉग्रेशन के लिए और हमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना है कि हम इसके साथ नहीं है, वी आर अगेंस्ट दिस। सो प्लीज सपोर्ट करें रायका फॉरेस्ट को, सपोर्ट करें जम्मू फॉरेस्ट को, सपोर्ट करें जम्मू की ब्यूटी को, सपोर्ट करें बायोडाइवर्सिटी को, सपोर्ट करें एंड एनवायरमेंट को, सपोर्ट करें। डेवलपमेंट हम चाहते हैं लेकिन इस तरीके की नहीं कि 30-40 हज़ार हमारे जम्मू से पेड़ काटे जाएं, 800-800 कनाल हमारे जम्मू से बिल्कुल वॉश आउट कर दी जाए। प्लीज जम्मू वालों उठ जाओ, अभी भी मौका है, नेशनल हाईवे पे आओ, प्रोटेस्ट के साथ आओ, हमें आवाज़ एक आवाज़ बनकर जम्मू की और एक आवाज़ लहरानी है ताकि पूरा जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, डिपार्टमेंट है, पॉलिसी मेकर्स हैं वहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच। वंस अगेन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, एक हो जाएं, यूनाइट हो जाएं और ज़रूर आएं, प्लीज़ रायका फॉरेस्ट वालों के सपोर्ट में ज़रूर आएं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करूंगा। लव यू ऑल, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।